महाराष्ट्र सरकार ने सिख भाईचारे दे कई अहम मंगां नूं मन लिया ते उहनां दे सफलतापूर्वक पूरे होण दी सूचना अधिकारिक तौर उत्ते जारी कीती है। बल मलकीत सिंह नूं नवें गठित पंजाबी साहित अकादमी महाराष्ट्र दा मुखी नियुक्त कीता गया है, जो पंजाबी साहित अते सभ्याचार दे प्रचार विच नवा अध्याय है। महाराष्ट्र राज घट गिणती कमिशन विच सिख नुमाइंदगी कीती गई है। श्री चरणदीप सिंह हैप्पी सिंह नूं महाराष्ट्र राज घट गिणती विकास कमिशन विच भाईचारे दा प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंजूर की गई 11 मैंबरी सिख नुमाइंदगी कमेटी का गठन होया। महाराष्ट्र विच पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना की गई है। 11 मैंबरी सिख नुमाइंदगी कमेटी विच जसपाल सिंह सिद्धू, गुरमीत सिंह रट्टू, गुरमीत सिंह कोकर, रणजीत सिंह गिल, अमरजीत सिंह कुंजीवाले, गुरमुख सिंह संधू, बलवीर सिंह टाक, हरप्रीत सिंह पल्ला, सरबजीत सिंह सैणी, रमनदीप सिंह, भुपेंद्र सिंह आनंद और रमेश्वर नायक शामिल ने। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों को सिखां दीआं कई मंगां दे तुरंत हल करन लई सिफारशी पत्र जारी किए ने, जिस विच नांदेड़ साहिब लई वंदे भारत ट्रेन की कनैक्टिविटी, वासी विखे पंजाब भवन प्लाट का मामला हल करन, पनवेल तो उत्तरी भारत लई ट्रेन की बेहतर कनैक्टिविटी, उलवे नवी मुंबई विच सभ्याचारक अते धार्मिक प्रोग्रामां लई जमीन की अलॉटमेंट का मामला शामिल है। इस मौके बल मलकीत सिंह ने जिते इन्हां कार्यां विच सहयोग देने वालों का धन्यवाद किया, उत्थे ही कहा कि वह अपनी जिम्मेवारी तनदेही दे नाल निभाउणगे।